सिवनी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है, जो कि 25 वर्षों से कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है। सरकार एवं नेताओं के बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कहावतें चलती हैं। साफ सफाई स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत ही सजग है, परंतु केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल यह बोल बचन ही रह गए हैं। केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत लगभग 50 गांव आते हैं, जहां दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए तरस रहे हैं। यहां पर जैसे तैसे अभी अभी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, परंतु उनकी अनुपस्थिति ग्रामीणों को इलाज करवाने को तरस रही है। यहाँ पर कर्मचारी जैसे तैसे 11 से 12 तक आते हैं एवं 2 बजे ही लंच टाइम पर चले जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित 9 बजे से 2 बजे एवं 4 से 5 ओपीडी व्यवस्था बनाई गई है। केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीण मरीजों द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक तौर पर शिकायत की गई, परंतु सिवनी जिला में बैठे आला अधिकारी केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यालय सिवनी से 150 मीटर की दूरी होने के कारण यहां कोई भी बड़े अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। क्या सिवनी CMH एवं जिला कलेक्टर ध्यान देंगे या फिर नहीं रहे हैं? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारपुर है, जहाँ पर अभी 11 बज रहा है और यहाँ पर ना ही डॉक्टर, ना फार्मासिस्ट, ना इलेक्ट्रीशियन कोई भी नहीं है, और यहाँ ये लापरवाही हमेशा होती है। कई बार शिकायतों के माध्यम से बोला गया, लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं होता है। ठीक, ये सिवनी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारपुर है। यह स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्षों से कर्मचारियों के अभाव में जूझ रहा है। अभी चूँकि वैकल्पिक तौर पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सभी की व्यवस्था हो गई हैं, परंतु लापरवाही के चलते यहाँ न टाइम पर डॉक्टर आते हैं, न फार्मासिस्ट आते हैं। अभी दिन का यहाँ 11 बज रहा है, ओपीडी का टाइम 9 से 2 है, 11 बजे तक भी यहाँ कोई कर्मचारी नहीं पहुँचे हैं। का नाम, नाम बताओ अपना। अस्पताल में क्या करवाने आए? इंजेक्शन लगवाने आए। क्या हो रहा है? कमर में दर्द। कमर में दर्द, कमजोरी। अच्छा, अभी 10:30 बज रहा है, डॉक्टर भी नहीं आए हैं, दवाई देने वाला भी नहीं आया है, कैसे इलाज करवाएंगे और क्या कहना है मामले में? बैठने हैं, आँख देखो, दवाई करने दवाई। तो अभी तो आए नहीं है, 11 बज रहे हैं, डॉक्टर नहीं आते यहाँ पे, दवाई देने वाले नहीं आते, क्या कहना है इस बारे में? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बोलारी। कहाँ से आए? पटकलाई से। ये अस्पताल में आप क्या दिखवाने आए? हम पांव का इलाज करवाने हैं, को चोट लगी पांव में। कितना बज रहा है अभी? टाइम नहीं मालूम हमको। 10 बज रहा है। 10 बज रहा है। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं है? हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, पर हम इलाज करवाना है, हमको हमारा पर्ची मिल गया है। हाँ, पर हम स्वस्थ हुए, सेवाएं के लिए आए हैं। हाँ, हम खुश हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो खुश हैं आप? डॉक्टर पता नहीं, पर पर्ची कट गया हमारा। पर्ची कटने से खुश हो? इलाज तो होगा शायद, हम कहा देख रहे हैं अंदर दवाएं हैं वगैरह सब में जाते हैं। दवाई देने वाला है? नहीं है। इलाज करने वाला है? नहीं है। कैसे खुश हैं फिर? पर हम आ गए अस्पताल में तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमको इलाज मिल सकता है। मिल सकता है, इसलिए हम खुश हैं। खुश हैं क्योंकि हम आ गए, हमारी परेशानी उनको बता रहे हैं, और जो सेवा देगा वो उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ दवाई देने वाले और डॉक्टर नहीं आया तो फिर हम सिवनी जाएंगे। सिवनी जाएंगे, सिवनी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल वही है। ठीक, और कलेक्टर साहब के पास हम शिकायत बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सुविधाएं हैं पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं।